Hi friends, welcome to Sue Electronics. Samsung 313 के अंदर हेडफोन के अगर प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को देखें, यानी वन कंडीशन के अंदर आपका सेट रिपेयर हो जाएगा। इस प्रॉब्लम के अंदर काफ़ी सेट आते हैं, बाकी प्रॉब्लम होती है मैक्सिमम वाटर डैमेज होने की वजह से। तो आप सबसे पहले इस चेक को अच्छी तरह से क्लीन कर लें, इसके साथ और कोई कंपोनेंट है उसको भी अच्छी तरह से साफ कर लें, बोर्ड को सामने करके एलसीडी को ऊपर करके इसके अंदर जो नीचे ट्रैक है ईयरफोन चेक के उसको भी अच्छी तरह से कार में हटा दें। उसके बाद लास्ट सोल्यूशन है इसका, वो ये है, ये आईसी है, इसको हटा करके आपको जम्पर करना है। वो करने के बाद आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। बाकी इससे पहले तो आपको वही जो ईयरफोन जैक है उसको ही ज़्यादातर प्रॉब्लम ईयरफोन जैक के अंदर ही आती है, वो अंदर से थोड़ा बहुत पानी चला जाता है जिसकी वजह से सॉल्टिंग हो जाती है तो प्रॉब्लम करने लगता है। तो आप बाहर से अगर जैक को अच्छी तरह से साफ करते हैं तो उसके बाद भी दिक्कत नहीं जा रही, तो आप एक बार जैक पहले ईयरफोन जैक को उतार करके चेक कर लें, उससे दिक्कत सॉल्व नहीं होती है तो फिर आपको इस आईसी को उतारना है जैसे मैंने उतारा है अभी आपने देखा ही है। इस आईसी को उतार करके आपको सावधानी पूर्वक इसमें एक छोटा सा जम्पर जोड़ना है। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आप अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाएगा। इस सैमसंग के अंदर जो एसपीडी सीपीयू के अंदर SPD 3530 CPU है, इसमें 1200Y है, 1207Y है, B110 है, B310 है, B313 है। इन सारे सेट के अंदर ईयरफोन का की प्रॉब्लम अगर आपको कभी भी आती है भविष्य में तो आप इस आईसी को बाईपास करना सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें मैनी ट्रैक है बट अपने को तो दो ही ट्रैक को आपस में मिलान करना है जम्पर के थ्रू। आप वीडियो देखते रहिए, मैं आपको जूम करके बता दूंगा कैसे क्या करना है। इस आईसी को अगर आप जैक के साथ साथ पहले अच्छी तरह से साफ करके भी देख सकते हैं, अच्छी तरह से साफ करने के बाद अगर इसमें वाटर डैमेज की वजह से थोड़ा सा भी कार्बन आ जाता है जिसकी वजह से भी आईसी भी दिक्कत कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। उतारना वगैरह अच्छी तरह से साफ करने के बाद ये उतार करके जंपर करना लास्ट हथियार है, बाकी अगर उससे पहले होता है तब तो ठीक है, नहीं होता है तो लास्ट में आपको यही करना है और ये लास्ट सॉल्यूशन। मैं इस सेट के अंदर हर तरह से कोशिश करके थक चुका था, लास्ट के अंदर ये इसी को ही किया है, तभी आप देख सकते हैं अच्छी तरह से किसमें जंपर मैंने किधर किधर जोड़ा है। मैं इसको जूम करूंगा, आप देखते रहिए, थोड़ा साफ कर लेते हैं, वैसे तो आपको ट्रैक दिखाई नहीं देगा। मैं इसको जूम कर रहा हूँ, कुछ साफ नहीं आ रहा, क्लियर कर देते हैं। ये देखिए इधर नीचे की तरफ तीन ट्रैक है, उसके आगे सीधे अब आमने सामने दो ट्रैक है, उन दोनों को आपस में मिलाना है। ध्यान रहे पास वाले कोई भी ट्रैक इसके साथ शॉर्ट ना हो। ये करते हैं आप का ईयरफोन सिंबल हट जाएगा, स्पीकर काम करने लगेगा, माइक भी काम करने लगेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको बैटरी लगा के चेक कर लेता हूँ, चेक करवा देता हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिव इलेक्ट्रॉनिक्स।